यूपी के बुलंदशहर में होली पर नशे में धुत एक पति ने अपनी ही पत्नी और चचेरे भाई को गोली मारकर खूनी होली खेल डाली। पति ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी व चचेरे भाई को गोली मार दी, जिससे युवक के भाई की हत्या हो गई और आरोपी की पत्नी घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में उपयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया है। ये तस्वीरें अजय उर्फ रोकी की हैं, जिसकी उसके ही चचेरे भाई अमित ने गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल बुलंदशहर के गुलाबटी गांव निवासी अमित को अपनी पत्नी पूजा व चचेरे भाई अजय के बीच अवैध संबंधों का शक था। आरोप है कि पत्नी व चचेरे भाई के अवैध संबंधों के शक में अमित होली के दिन शराब के नशे में धुत होकर अपने चचेरे भाई अजय के घर पहुंचा और पहले अजय को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, फिर अपने घर पहुंचकर अपनी ही पत्नी पूजा को गोली मार दी। गोली पूजा के हाथ में लगने से पूजा की जान तो बच गई, लेकिन पत्नी घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती है। गांव में अमित है, उनका वाइफ का कुछ अजय के साथ उनके इलीगल रिलेशनशिप में आज दारू में आया, ऐसे दारू में नाराज हो करके इनका वो सचेरे भाई भी अजय नावाली के लगभग 17 ओवर का है, उनका गोली मारा, ऐसे चेस्ट में गोली लगी, नाराज में इनका वाइफ का भी गोली मारा, हाथ में गोली लगी, दोनों का हॉस्पिटल भेजा, इसी में अजय का हॉस्पिटल में मृत्यु घोषित हुई। इनका वाइफ का भी इलाज चल रहा है, अभी अमित का अरेस्ट हो गई, उन्हीं से ऐसे तमंचा रिकवर हो गई, अभी पूछा चल रहा है। पहली नज़र में यही आ रहा है, हमारा इन्वेस्टिगेशन में कुछ इलीगल रिलेशनशिप का ये जानकारी आ रहा है। सर, ये जो अमित है, इसकी शादी की जानकारी मिल पाई है, कितने साल पहले हुई है? चार साल पहले हो गई, कोई इश्यू नहीं है, उनका बेटा बेटी नहीं है, इनका डाउट है इनके इलीगल रिलेशनशिप। तो पत्नी की कैसी हालत है अभी? पत्नी सेफ है, हाथ में गोली लगी है, शी इज कम्प्लीटली आउट ऑफ डेंजर, कोई इश्यू नहीं। एसएसपी स्वीकार कर रहे हैं कि होली के नशे में धुत पति ने अवैध संबंधों के कारण पत्नी व चचेरे भाई को गोली मार दी और अजय की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी अमित को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में उपयुक्त तमंचा भी बरामद करने का दावा कर रही है। दिनेश सोलंकी के साथ तेज निगाह के लिए जनपद बुलंदशहर से रिजवान अंसारी की ये रिपोर्ट।